सबको राधे राधे, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और कान्हा जी आपके घर में भी ढेर सारी खुशियां लेके आए और मेरे घर में भी ढेर सारी खुशियां लेके आए। यहाँ मैंने अपने कान्हा को नहला दिया, अच्छे से तैयार कर दिया उन्हें। आज उनका जन्मदिन है, तो मैंने पूरा तैयारी कर लिया है जितना मेरे से बन पड़ा, क्योंकि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी, तो मैंने फिर भी शक्ति आ गई इनके लिए। तो मैंने यहाँ मंदिर में लाइट लगा दी जो मेरे पास रखी हुई थी, और थोड़ा थोड़ा सा सामान लेके आई हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ नहीं लेके आई इस बार। ये मैं झूले के लिए लेके आई हूँ, झूले में लगाने के लिए, मतलब बिछा दूँगी। और एक ड्रेस लेके आई हूँ, बस मैं सोचा था मैं बनाऊँगी ड्रेस को, लेकिन मेरा तबीयत बिल्कुल ही ख़राब हो गया तो नहीं बना पाई। कोई नहीं, वैसे भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ मैं माखन मिश्री और बिस्किट फल मतलब सब कुछ लेके आई हूँ उनके लिए, टॉफ़ी वगैरह सारा कुछ जितना मेरे से बन पड़ा उतना लेके आई। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, आपके पास भी जैसे इच्छा बने वैसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सब भगवान सब जानते हैं, बस भाव होना चाहिए मन में। तो यहाँ मैंने अच्छे से मंदिर को तैयार कर दिया बिल्कुल, और शाम को रात को करूँगी मैं 12 बजे। और यहाँ मैंने किचन भी कर दी साफ, और रात को 12 बजे मैं कृष्ण को दही माखन में दही में नहलाऊँगी पंचामृत में। और यहाँ मैंने पूरी किचन साफ कर ली है अच्छे से बिल्कुल, क्योंकि आज त्यौहार है, सब जगह झाड़ू पोछा सब कुछ किया मैंने आज, साफ सफाई बिल्कुल, क्योंकि मुझे इतने दिन से गंदा हो रखा था ना, मेरे से हो नहीं रहा था, मेरे हस्बैंड कर रहे थे, लेकिन आज मैंने कर लिया थोड़ा थोड़ा। तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा फिर भी। अभी बना रही हूँ मैं पंजीरी प्रसाद के लिए, और बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके राजमा जीरा राइस जितना मेरे से बन पड़ेगा कान्हा के लिए बनाऊँगी, पूड़ी खीर वगैरह। तो यहाँ राजमा बन रहे हैं, और आगे भी मैं आपको बताऊँगी थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ मेरा सब तैयारी हो गया है, टॉफ़ी ले ली 5 तरह की, बिस्किट माखन ले लिया, मिश्री ले लिए, फल ले लिए, सब कुछ ले लिया मैंने। एक माखन मिश्री का भोग रात के 12 बजे लगाऊंगी मैं, और ड्रेस ले ली कान्हा की, और ये जो टॉफ़ी थी वो ले ली, जो मेरे से बन पड़ा वो ले लिया मैंने, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने बस इतना ही किया है। अगर मेरी तबीयत ठीक रहती अच्छी रहती तो मैं और अच्छा करती। तो यहाँ मैंने पंचामृत पंजीरी खीर राजमा जीरा राइस पूड़ी पापड़ और लड्डू सब कुछ ले लिया। यहाँ लिया मैंने खीरा, जिसको मैं कट करूँगी 12 बजे के बाद, जैसे बच्चे का नरा कट करते हैं वैसे। तो यहाँ मैंने कान्हा को कर दिया तैयार, और मैं कान्हा को अभी खाना खिला दूँगी पूरा, और बस फिर झूले में बिठा दूँगी, फिर 12 बजे के बाद पंचामृत से नहलाऊँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं झूले में बिठा दूँगी, पहले मैं दीपक को जला दूँगी और पूजा कर दूँगी और खाना खिला दूँगी। और इनकी सेवा किसने कर पाई है, जितनी करो उतनी कम है कान्हा की, तो इनकी सेवा किसने कर पाई है। उनने मेरी तबीयत सच में इतनी अच्छी हो गई जो मैं इतना कर पाई, नहीं तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी। तो यहाँ मैं इसका भोग नहीं लगाऊंगी, पंचामृत पंजीरी का भोग नहीं लगाऊंगी, और माखन मिश्री का भोग नहीं लगाऊंगी, बस बाकी और खाना वान जो भी है उसका भोग लगा दूंगी कान्हा के लिए। ये सब रात को 12 बजे लगाऊंगी। तो अभी मैं इनको भोग लगा दूंगी, मतलब भोग लगा दिया है, और अभी मैं इसको झूले में बिठाल दिया है, इसका भोग रात को 12 बजे। हाँ, मैंने कान्हा को खाना खिला दिया, सब कुछ कर दिया, झूले में बिठाल दिया। और बताना मेरा मंदिर कैसा लग रहा है, मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। तो इनको मैंने बस झूला झुलाया, और ये प्रसाद का भोग नहीं लगाया मैंने, बाकी सबका लगा दिया, माखन मिश्री का नहीं लगाया। रात के बज गए हैं 12, सबको हैप्पी जन्माष्टमी और राधे राधे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो यहाँ मैं कथा करूँगी जन्माष्टमी की, कथा पढ़ूँगी मैं, और उसके बाद मैं करूँगी नहलाऊँगी, पहले कहानी पढ़ूँगी, और इनको मैं नहला देती हूँ। कहानी मैंने पढ़ लिया है, मतलब मैंने पूरा नहीं दिखाया। तो यहाँ इनके कपड़े चेंज करके इनको पंचामृत से नहलाऊँगी मैं। राधा 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 राधा, राधा।
तो यहाँ मैं इनको निला लूँगी ऐसे पंचामृत में। आपका जैसे मन करे वैसे स्नान कराओ कान्हा जी को, कान्हा जी भाव के भूखे होते हैं, बस आपका जैसे जी करे वैसे करो मन, बस भाव होना चाहिए, बस कैसे भी कर लो। भगवान ये नहीं कहते कि आपने ऐसे नहीं करी ऐसे नहीं करी, कुछ नहीं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से, आप लोग कैसे करते हैं मेरे को ज़रूर बताना। तो यहाँ मैंने उनको निला दिया, अभी मैं उनको जो नए कपड़े लेके आई थी वो पहनाऊंगी। बिल्कुल अच्छे से बदन पूछ दूंगी मैं इनका, और ये वाली ड्रेस पहना दूंगी उनको, लंगोटी पहनाऊंगी अभी। और यहाँ मैं उनका जो खीरा है ना वो कट कर दूंगी, बस ऐसे खीरे को कट कर देते हैं, और बाकी सब प्रसाद है सुबह में मैं बांटूंगी। और सुबह में हमारे ना लड्डू बनते हैं, चरुआ रखते हैं, लड्डू बनाते हैं, लेकिन अब मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं इतना नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए मैंने बस सादा सिंपल से किया है। तो यहाँ मैं कान्हा की ड्रेस में इत्र लगा दूंगी। यहाँ मेरा कान्हा बिल्कुल तैयार हो गया, और मैं दिखाती हूँ अपने कान्हा को कितना सुंदर लग रहा है मेरा कान्हा। कान्हा तो जरा सा ही कुछ लगा दो तो बहुत सुंदर लगता है, मेरे कान्हा को किसी की नजर ना लगे। तो यहाँ मैंने उसको बिठाल दिया झूले में अच्छे से, अभी मैं उनको झूला झुलाऊंगी धीरे धीरे से। ये झूला भी मैंने ही बनाया है अपने का, मैं तो ड्रेस भी बनाती लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गया तो फिर सब बिछड़ गया। अब कान्हा ने मुझे इतना शक्ति दे दिया कि मैं चलो थोड़ा सा बना पाई ब्लॉग। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ माखन मिश्री का भोग लगाऊंगी बस, और आरती करूंगी, बस इतना ही करूंगी, इतनी ही मेरी शक्ति है। अगर तबीयत सही रहता तो मैं और अच्छे से करती कान्हा का जन्माष्टमी, लेकिन जित भाव है बस भगवान भाव के भूखे होते हैं, जितना आपका मन करे उतना कर लो, ऐसा कुछ नहीं। भगवान ये भी नहीं बोल रहे कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, जितना मन करे उतना करना चाहिए, बस भाव होना चाहिए मन में। और मेरी तबीयत जितनी ठीक थी मैंने उतना कर दिया, और आप भी अपने कान्हा को ऐसे ही झूला झुलाओ, और ऐसे ही ढेर सारी खुशियाँ लेके आए कान्हा आपके घर में मेरे घर में भी। कन्हैया झूले पलना नेक हाले छोटा दीजो।